कमलनाथ ने ट्वीट करके ये कहा है कि आपने उनके लिए आप सब से देखिए वो रोज ये कहते हैं कि 18 साल का हिसाब तो बताओ, 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो, 2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य, प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया, कमलनाथ जी आज बढ़ के होगी 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, गड्ढों में सड़क ढूंढती थी कमलनाथ जी जनता, पूछो अपने सहयोगी दिग्गी राजा से, केवल 61,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें थी। आज ग्रामीण सड़कों को अगर मैं मिला लूं तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। कांग्रेस को जवाब देना होगा, उनके समय जब दिग्गी मुख्यमंत्री थे तो बच्चे डिब्बी में पढ़ाई करते थे, 3-3, 4-4 घंटे बिजली आती थी। आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमसे हिसाब मांगते हैं, जब आपका राज था कृषि विकास दर निगेटिव रहा करती थी, आज मुझे कहते हुए गर्व है 18% से ज्यादा की एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हासिल की है तो मध्य प्रदेश ने हासिल की है और वो लगातार जारी है। हमारी विकास दर पिछले साल 18% के ऊपर थी, इस बार 16% के ऊपर है। कमलनाथ जी, जब आपके सहयोगी दिग्गी राजा और आपकी पार्टी की सरकार थी तब बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया, उसको बढ़ा के हमने किया 3,14,000 करोड़ रुपया। तब सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में, कांग्रेस राजा नवाब अंग्रेज सबकी मिला लो, आज हमने 47 लाख हेक्टर जमीन सिंचित कर दी है और 65 लाख के टारगेट की तरफ हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जब आप थे केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 तक पहुंच रही है। जब आप थे तब बच्चे कांख में फट्टा दबा के स्कूल जाया करते थे क्योंकि वहां फट्टी अपनी बिछा के बैठना पड़ेगा, हम शानदार सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। जब आप थे प्रदेश अधोगति की तरफ जा रहा था, प्रदेश की जीएसडीपी का साइज कुल था 71,000 करोड़, आज प्रदेश की जीएसडीपी का साइज 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है, और जब ये बात हम कहते हैं तो वो दुखी होते हैं। और दूसरी चीज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोज रोज वादे, ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, 900 वादों का क्या हुआ? जो 900 वचन दिए थे उन वचनों का क्या किया आपने? एक वादा पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाए। तो मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं प्रधानमंत्री जी की, जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री आवास के मकान क्यों लौटा दिए थे? जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया, प्रधानमंत्री जी पैसे भेज रहे थे, आपने जल जीवन मिशन क्यों प्रारंभ नहीं किया? आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के नाम दिल्ली क्यों नहीं भेजे? इन प्रश्नों का उत्तर दो। बेगा भारिया सहरिया जैसी गरीब बहनों के 1,000 रूपया बंद क्यों किए कमलनाथ जी? अब जवाब तो देना पड़ेगा। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? संबल योजना क्यों बंद की? बेटियों बहनों के बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रूपया हम देते थे, वो 12 और 4, 16,000 की राशि क्यों बंद की? बेटियों की शादी करा के पैसे क्यों नहीं दिए? अब इनका जवाब तो देना पड़ेगा।